सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। रेडमी 9 प्राइम इंडिया में लॉन्च हुई थी 3GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसकी प्राइसिंग रखी गई थी 9999 रुपये। और पर्सनली रेडमी 9 प्राइम के स्पेसिफिकेशन ने मुझे बहुत ही इंप्रेस किया था। वैसे ग्लोबली रेडमी 9 सीरीज में 3 डिवाइस लॉन्च हो चुकी है, रेडमी 9, रेडमी 9 ए और रेडमी 9 सी, जिसमें से रेडमी 9 जो है इंडिया में लॉन्च हो चुकी है रेडमी 9 प्राइम के नाम से। अब जो है रेडमी 9 ए डिब्यूट करने वाले इंडिया में। तो अगर आप रेडमी 9 सीरीज में किसी नए स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को टिल द एंड जरूर देखिएगा। सो गाइस, रिसेंटली रेडमी 9 ए को मल्टीपल सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे एक स्पेसिफिक मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि यह डिवाइस बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और रेडमी 9 ए के रिगार्डिंग जो एक मेजर अपडेट है वो ये है कि यह डिवाइस MIUI 12 के सपोर्ट के साथ आ रहा है, जो कि एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, जबकि रेडमी 9 ए का जो ग्लोबल वेरिएंट है वो MIUI 11 सपोर्ट के साथ आ रहा है। तो आपको इंडियन वेरिएंट में काफी बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, रेडमी 9 ए के इंडियन वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करें तो सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको रेडमी 9 ए ग्लोबल वेरिएंट के कंपेयर में देखने को मिलेगा। रेडमी 9 ए यहाँ पे 6.53 इंचेस के एक IPS LCD डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जहाँ पे आपको HD+ रेजोल्यूशन का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ में ये डिस्प्ले जो है वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन को भी कैरी करता है। डिवाइस के कैमरा सेटअप्स की बात करें तो ये डिवाइस कुछ खास कैमरा सेटअप्स के साथ नहीं आएगा, बल्कि डिवाइस के बैक साइड में आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि होगा 13 MP प्राइमरी सेंसर के साथ। डिवाइस के फ्रंट पैनल में आपको 5 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलने वाला है। डिवाइस के मोस्ट हाईलाइटेड फीचर के ऊपर बात करें तो ये डिवाइस MediaTek Helio G25 प्रोसेसर के साथ आ रहा है, जो कि एक गेमिंग बेस्ड प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर 2.0 GHz पे क्लॉक्ड है, यानी कि क्लॉक स्पीड भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और ये डिवाइस जो है लो बजट सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया गेमिंग डिवाइस होने वाला है। रेडमी 9 ए जो है 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जहां पे ये डिवाइस 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट कंपनी आपको सिर्फ 10W का ही फास्ट चार्जर डिवाइस के बॉक्स में प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपको 18W का फास्ट चार्जर बाय करना है तो 700 रुपये का अलग से बजट रखना पड़ेगा। डिवाइस के अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो ये डिवाइस डुअल वाईफाई बैंड, ब्लूटूथ 5.0, USB टाइप सी जैसे फीचर्स के साथ आ रहा है। इनफैक्ट इस डिवाइस को ग्लोबली 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ सिंगल रैम वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। अगर सेम रैम वेरिएंट के साथ इस डिवाइस को इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस डिवाइस की प्राइसिंग इंडिया में 7000 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। और इस डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन होगा इंडिया लॉन्च डेट के बारे में तो डेफिनेटली मैं आपको अपने वीडियो में अपडेट कर दूंगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं।